तो समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पूर्व विधायक आजम खान ने भावुक अपील की है। इसमें उन्होंने खुलकर अपनी आप बीती को पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश की है। तो बता दें कि आजम खान ने इस वीडियो में पिछले कुछ साल में अपने ऊपर गुजरे घटनाक्रम को बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कमजोर हैं उनको पीछे रखने का मंसूबा बंद तहरीक का मुकाबला गैर मंसूबा बंद तहरीक से नहीं किया जा सकता। कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। आगे बढ़ने की हौसले की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। ये मौका मिले हम इसके लिए कोशिश करें और तालीमी इदारे कायम करें। मैं उन तमाम लोगों से, साहिब हैसियत लोगों से, साहिब इख्तदार से जो ताकत में है, चाहे वो सियासी तौर पर हो, माली तौर पर हो, अफसर हो, रिटायर्ड हो, सर्विस में हो, जो जज्बा रखते हैं, लेकिन वो जज्बा जो सिर्फ अपनी हद तक ड्राइंग रूम में बैठकर उसको डिस्कस कर लेने की हद तक, राय देने की हद तक, ऐसी राय से कौमों की तब्दील नहीं बनती। कौमें तो बहुत बड़ी चीज हैं, किसी कबीले, किसी घर और किसी फर्द की तब्दील भी नहीं बनती। इरादा करें, अगर मेरा जैसा कमजोर आदमी इतने बड़े मिशन को पाए तकमील तक पहुंचा सकता है, तो मेरे ही पड़ोस के जिले में न जाने कितने रईस रहते हैं, मेरे मुल्क में, मेरे प्रदेश में न जाने कितने लोग दौलतमंद रहते हैं, न जाने कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं।